हम हैं प्राची के साथ, उनकी आने वाली फिल्म ममंगम के बारे में बात करेंगे। हमें बताएं कि आपने ऐसा रोल चैलेंजिंग नहीं लगा चूज करने से पहले? हाय रिधि। सो रोल तो काफ़ी चैलेंजिंग था। अब मतलब पूरा काफ़ी प्रिपरेशन गई रोल के लिए प्रिपेयर करने में। मैंने मलयालम सीखी, मैंने डांस करना सीखा, क्लासिकल डांस सीखा, मैंने अपने डायलॉग्स लर्न किए, मैंने मैंने स्वॉर्ड फाइटिंग सीखी तो नहीं बट फिल्म में ज़रूर की। तो काफ़ी ऐसी नई चीज़ें की जो मैंने पहली बार की, उन्नी माया जो मेरा किरदार का नाम है वो प्ले करते हुए। सो काफ़ी चैलेंजिंग था और फाइनली यू नो उसको आप स्क्रीन पर देखेंगे 21 नवंबर को। तो इस रोल को प्ले करने के लिए आपने काफ़ी रिसर्च भी की होगी? रिसर्च तो नहीं की थी क्योंकि एक्चुअल में दो फिल्में मुझे बोला गया था देखने के लिए, तो मैंने लुक एंड फील तो मैंने देख ली थी फिल्म की यूट्यूब पे, बट मैं उनको समझ नहीं पाती क्योंकि वो मलयालम में थी इस और उसके सबटाइटल्स भी नहीं थे, तो मैंने पूरी फिल्में नहीं देखी। विडक्कन वीरगाथा करके एक ममूका की फिल्म थी और एक परसी राजा करके, जो कि सेम एरा की फिल्म्स हैं जो कि मुझे देखने के लिए बोला गया था, बट उससे काफ़ी हटकर थोड़ी कलरफुल है हमारी फिल्म। थोड़ी कमर्शियल एंगल की वजह से इट इज़ मोर कलरफुल, मोर ब्राइट, तो वो थोड़े से चेंजेस हैं और वो रेफरेंस मैंने वहाँ से कुछ लिया था। बाकी जो डायरेक्टर ने बताया मैं उसी के हिसाब से कैरेक्टर को प्रिपेयर करती चली गई। ओके, तो हमें पता है कि आप बास्केटबॉल प्लेयर भी रह चुकी है, तो एक्टिंग का थॉट कब आया कि आपको एक्टिंग करनी चाहिए? कभी थॉट तो नहीं आया था, सो नेवर वांटेड टू बिकम एन एक्टर। इट वाज एन अपॉर्चुनिटी गिवन टू मी, फेसबुक पे मैसेज आया था और आई टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी एंड थॉट के कुछ नया है तो कर लेते हैं, तो इस वजह से एक्टर बन गई। दिया बाती से मैंने अपनी एक्टिंग जर्नी की शुरुआत की, एक्टिंग करियर की शुरुआत की और दो पंजाबी फिल्में की, फिर 51 किया स्टार प्लस के लिए अपना पहला शो एज अ मेन लीड एंड उसके बाद फिर मैंने ममंगम की। ओके, सो फिल्म तो ठीक है लेकिन दिवाली की बात करें तो दिवाली में आप क्या स्पेशल करती है? मैं दिए जलाना मुझे बहुत पसंद है, कैंडल जलाती हूँ, दिए जलाती हूँ, रंगोली बनाती हूँ और जो घर में जो मंदिर है मेरा उसको मैं ही सजाती हूँ, तो मुझे ये सब करने में बहुत मज़ा आता है। कार्ड्स हम लोगों का कभी कल्चर नहीं रहा है, कार्ड्स खेलने का, जुआ खेलने का दिवाली के टाइम पर, तो वो हम नहीं खेलते हैं। बट बहुत ही सिंपल तरीके से दिवाली मनाई जाती है, पटाखे हम लोग नहीं बजाते हैं, इको फ्रेंडली यस एंड काफ़ी तरीके, अलग अलग तरीके पकवान ज़रूर बनते हैं घर पे, स्वीट डिश बनती हैं और अच्छा खाना बनता है जो कि हम सब बहुत इंजॉय करते हैं और फैमिली टाइम, इट्स वेरी सिंपल दिवाली विच वी सेलिब्रेटेड। ओके, सो आपकी फेवरेट डिश क्या होगी अगर हम बात कर रहे हैं कि आपको खाना बहुत पसंद है? बापरे, लिस्ट बहुत ही लंबी है। मुझे घर के बने हुए गुलाब जामुन बहुत पसंद है, मुझे हलवा बहुत पसंद है, मुझे खीर बहुत पसंद है अगर आप मीठे की बात करो तो। बाकी वो पनीर की सब्ज़ी, मटर पनीर जो घर में बनता है, पूरी के साथ खाते हैं, रायता भी बनता है फिर बूंदी का एंड फिर चने की सब्ज़ी भी मुझे बहुत पसंद है। सब कुछ, मतलब आई एम अ फूडी सो आई लाइक एवरीथिंग, घिया तूरी टिंडे को छोड़ के, सो आई एंजॉय फूड एंड मुझे नानी के घर की सेवैयाँ बहुत पसंद है। मेरी मामी बहुत अच्छी सेवैयाँ बनाती हैं, उसमें काफ़ी सारी मलाई, दूध और मोटे वाली सेवैयाँ होती है, तो वो बहुत मज़ेदार होती है। तो आप दिवाली पे एक्टिंग करती है या बास्केटबॉल, तो आपके टूर्नामेंट्स होते रहते हैं या एक्टिंग की शूटिंग चलती रहती है, तो आप क्या मिस करते हो? तो मैंने बास्केटबॉल खेलना तो अब छोड़ ही दिया है, बट जब भी मुझे टाइम मिलता है थोड़ा सा, जब भी मैं दिल्ली जाती हूँ तो मैं अपने स्कूल में जाके बास्केटबॉल खेलती हूँ और बाकी क्या छोड़ती हूँ आपने पूछा? नहीं, मतलब बाकी आप
क्या मिस करते हो लाइक व्हाइल ट्रैवलिंग खाने के मामले? अच्छा, खाने के मामले में मैं हर तरीके का खाना इंजॉय करती हूँ. ऐसा नहीं है सिर्फ घर का या नॉर्थ इंडियन खाना. अभी जैसे मैंने मामांगम में साउथ में शूट किया, केरला में शूट किया ऑलमोस्ट टू ईयर्स. सो मैंने वहाँ पर वहाँ का खाने का मन करता है मुझे बहुत. वहाँ पे अलग अलग तरीके की अलग अलग डिशेज़ हैं, जैसे पुट है, मालाबार करी है, फिर वहाँ पे केरला राइस बहुत फेमस है. फिर वहाँ पे एक स्वीट डिश है जिसको बोलते हैं पायसम. उसको पायसम पापड़, उसको ऐसे क्रश करके पापड़ उसमें डालो तो उसमें बहुत मज़ा आता है वो खाने में. सो वो भी बहुत अच्छा लगता है. देन और क्या है, वहाँ की चटनियाँ बहुत अच्छी हैं, करीज बहुत अच्छी हैं, वहाँ पे मच्छी बहुत अच्छी. तो मच्छी खाना मैंने पहली बार केरला में सीखा वाइल डूइंग मामांगम. तो खाने की तो मैं शौकीन हुई, तो देखकर ही लगेगा. आपने एक कैरेक्टर के लिए अपना वेट भी लॉस किया था, गेन किया था? हाँ, गेन किया था. तो इसके लिए गेन किया था मैंने, आई गेन्ड 8 kgs फॉर दिस. उसके बाद फिर दोबारा 6-7 kgs रिड्यूस किया. हाँ, तो हाँ, मतलब दैट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कैरेक्टर. सो लास्टली आप फैंस को क्या कहना चाहेंगी? आई वुड जस्ट वांट टू से दैट डू वॉच मामांगम. इट इज रिलीजिंग इन 4 languages, मलयालम, तमिल, तेलुगु एंड हिंदी, और वर्ल्ड वाइड इंग्लिश में भी रिलीज होगी. और ज़रूर देखिए, ममूटी सर के साथ मैं डेब्यू कर रही हूँ, और बहुत ही अच्छी फिल्म है. केरला की हिस्ट्री है, 400 साल पुरानी हिस्ट्री है, 280 साल जो वॉर चली उसके ऊपर कहानी है. तो ज़रूर देखिए, बहुत अपना आपके प्यार की ज़रूरत है मुझे, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है. एंड डू वॉच इट इन theaters near you on the 21st of November. Happy Diwali to everyone, to all the fans, and celebrate a lovable Diwali with your family with no crackers. Thank you.